वो एक ऐसा शासक था जिसने महज एक घंटे में कई देशों की 80% तक आबादी को खत्म कर दिया था। उसके खौफ से महिलाएं खुद आत्महत्या कर लेती थीं। वो युद्ध लड़ने में इतना ज्यादा कुशल था कि उसकी रणनीति के आगे बड़ी से बड़ी सेनाएं भी अपने घुटने टेक देती थीं। वो इतना ज्यादा निर्दयी था कि उसकी निर्दयता से धरती भी कांप उठी थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मंगोलियन सम्राट चंगेज खान की। दोस्तों हम जब भी चंगेज खान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले एक निर्दयी हत्यारे की छवि हमारे मन में बनती है, जिसने न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बावजूद मंगोलिया में उसको इतना ज्यादा माना जाता है कि कुछ लोग तो उसकी पूजा भी करते हैं। इतना ही नहीं, उसे फादर ऑफ मंगोलिया भी कहा जाता है। और चाइना के उत्तरी भाग में तो उसका मंदिर भी है जहां भगवान से ज्यादा उसको पूजा जाता है। दोस्तों चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया में हुआ था। उसे बचपन में सभी तेमुजिन नाम से पुकारा करते थे। अगर उसके परिवार की बात करें तो उसकी माँ का नाम होलोन और पिता का नाम येसुगेई था। उसके अलावा चंगेज खान के 3 सगे भाई, 1 सगी बहन और कई सौतेले भाई भी थे। केवल 9 साल की उम्र में ही चंगेज खान की शादी बोर्ते नाम की लड़की से करा दी गई थी, जिसे वो बहुत प्यार करता था। लेकिन जब वो 12 साल का था तो दूसरे कबीले के लोगों ने उसकी पत्नी को अगवा कर लिया, जिसके बाद शुरू हुई चंगेज खान की एक योद्धा और क्रूर शासक बनने की कहानी। चंगेज खान ने सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में ही अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए कई कबीलों के साथ मिलकर दुश्मन कबीले से लड़ाई लड़ी और जीता भी। पिता के जिंदा रहने तक चंगेज खान का सगा भाई खाचुएन उसे काफी सपोर्ट करता था। लेकिन पिता के मृत्यु के बाद खाचुएन चंगेज खान के खिलाफ हो गया और इन दोनों भाइयों ने एक दूसरे से लड़ाई लड़ी, जिसमें चंगेज खान जीत गया। और केवल 13 साल की उम्र में ही उसने अपने सगे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन उसने बचपन में ही एक ऐसा समय भी देखा जब दूसरे कबीले द्वारा जहर देकर उसके पिता की हत्या कर दी गई और उसे और उसके परिवार को उसके अपने कबीले से निकालकर अलग कर दिया गया और जंगलों में मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया गया। ये चंगेज खान की जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। अपने इस बुरे वक्त को याद करते हुए चंगेज खान ने कहा था, मेरे पिता की हत्या कर दी गई, सारे लोगों ने हमें छोड़ दिया, झुंड ने हमें निकाल दिया। उस समय हमें एक शक्तिशाली राजा चाहिए था, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था, न दोस्त, न खाना, न किसी का साथ। हमने बहुत तकलीफ सही, हमने कच्चा मांस खाकर अपना गुजारा किया, लेकिन इन्हीं सारी चीजों ने मुझे बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना दिया, इतना ताकतवर कि मैं दुनिया जीत लूं। दोस्तों चंगेज खान एक क्रूर शासक था जिसके पास बल और बुद्धि दोनों थे, और इसी के दम पे उसने सन 1206 से 1227 तक चीन, ईरान, उज्बेकिस्तान, जापान, हंगरी, अफगानिस्तान, अफ्रीका, रूस, उत्तरी साइबेरिया और बुल्गेरिया समेत दुनिया की करीब 22% जमीन अपने कब्जे में कर ले थे। चंगेज खान इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में पहले स्थान पर विराजमान है। उसने दुनिया में अपना दबदबा जमाने के लिए करीब 4 करोड़ लोगों की जाने ले, कई सारे राजाओं को मार के उनकी रानियों के साथ नाजायज संबंध बनाए। चंगेज खान जब 7 साल का था तभी वो अपने पिता येसुगेई से युद्ध की नीतियां सीखने लगा था, और मात्र 10 साल की उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया था। कबीले के सरदार का बेटा होने के नाते चंगेज खान के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। अपने पिता की तरह चंगेज खान में भी एक लीडर वाली सारी खूबियां थी। अपनी इसी बाल बुद्धि का प्रयोग करके चंगेज खान ने दूसरे इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इन्हीं खूबियों को देखकर मंगोलों ने उसे अपना सरदार बना लिया। चंगेज खान के आगे कई कबीलों के लोगों ने घुटने टेकने शुरू कर दिए, और इसी तरह उसने 3,30,00,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया अपने नाम कर लिया, जिसके बाद सभी कबीलों के लोगों ने मिलकर तेमुजिन को चंगेज खान का नाम दिया, और आज यही नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों आमतौर पर माना जाता है कि चंगेज खान ने सिर्फ तलवार के जोर पर अपनी सल्तनत को इतना ज्यादा विशाल बनाया, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। चंगेज खान इससे भी ज्यादा चालाक था। वो दूसरे साम्राज्यों को जीतने के लिए अपनी खूबसूरत बेटियों को मजबूर करता था कि वो उन साम्राज्यों के राजाओं से शादी करे। इसके बाद जब राजा मर जाएगा तो राजा की पत्नी यानी कि चंगेज खान की बेटी सिंहासन पर बैठेगी, लेकिन कई राजा पहले से ही शादीशुदा होते थे। ऐसे में चंगेज खान उसकी पत्नी का ही कत्ल करा देता था, और उसके बाद वो उस राजा को अपनी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर करता था। इस तरह वो दूसरे राज्यों को मंगोलिया सल्तनत में शामिल कर लेता था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी मंगोलियन सैनिक युद्ध के लिए जाते थे तो चंगेज खान इस बात का अच्छे से ख्याल रखता था कि उसकी सेना में लड़ाई के दौरान दूसरे देशों के लोग सबसे आगे हों, ताकि वो मरने वालों में सबसे पहले हों और उसकी जो अपनी खास सेना है उसको कुछ ना हो। चंगेज खान अपने साम्राज्य में 3 साल के बच्चे को भी तीरंदाजी और घुड़सवारी सिखाना शुरू कर देता था। जब यूरोपियंस ने यह देखा था तो उन्होंने लिखा कि मंगोलों की तो लड़कियां भी पुरुषों से बेहतरीन घुड़सवारी कर सकते हैं। दोस्तों चंगेज खान की एक बेटी की शादी एक ऐसे युवक से हुई थी जो चंगेज खान के बेहद करीब था। ईरान के निशापुर के एक तीरंदाज ने उसकी हत्या कर दी थी। इसका बदला लेने के लिए चंगेज खान ने निशापुर की संपूर्ण जनसंख्या को पूर्णतया खत्म कर डाला था। इंसानों की तो बात छोड़ दीजिए, उसने निशापुर में एक भी जानवर तक को नहीं छोड़ा था। उसने इंसानी खोपड़ियों का एक ढेर लगा दिया था ताकि भविष्य में कोई भी चंगेज खान के परिवार पर आक्रमण करने के बारे में सोच भी न सके। दोस्तों चंगेज खान मानता था कि एक आदमी की ताकत का पता इस बात से चलता है कि वो अपने पीछे कितने बच्चे छोड़ के गया है। कहा जाता है कि उसकी 500 के करीब बीवियां थीं,
एक अध्ययन से ये पता चलता है कि एशिया में रह रहे 8% लोग जो क्रोमोसोम कैरी करते हैं वो शायद चंगेज खान से शुरू होता है। इस बात से ये अंदाजा लगाया गया है कि आज दुनिया में चंगेज खान के 16 मिलियन वंशज मौजूद हैं। मतलब हर 200 में से एक आदमी चंगेज खान का वंशज है। दोस्तों बता दें, चंगेज खान के द्वारा किए गए नरसंहार के कारण वातावरण से करीब 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सफाया हो गया था, जहां उसने हजारों गांव, शहर और न जाने कितने ही कस्बों को तबाह कर दिया था। मतलब जहां पहले बस्तियां होते थे, लोग रहते थे, वहीं अब भारी मात्रा में जंगल और वनस्पतियां पैदा हो गई थी। इस तरह चंगेज खान के कत्लेआम ने अनजाने में ही उसको एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट बना दिया था। दोस्तों 1215 तक चंगेज खान ने पूरे चाइना पर कब्जा कर लिया था और मौजूदा राजधानी बीजिंग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ऐसा करके चंगेज खान ने अपने चाचा की मौत का बदला लिया था। लेकिन 1218 में चंगेज खान को मजबूरी में कारा खिताई एम्पायर पे हमला करना पड़ा। बता दें, कारा खिताई एम्पायर आज के दक्षिणी रूस के आसपास फैला हुआ साम्राज्य था। दरअसल कारा खिताई एम्पायर के राजा ने मंगोल के एक शहर पे हमला किया और उस शहर के शासक का कत्ल कर दिया। संयोग से उस शहर के शासक का विवाह चंगेज खान के एक रिश्तेदार के साथ होने वाला था। इस घटना ने चंगेज खान को क्रोधित कर दिया और इसलिए उसने पूरे कारा खिताई साम्राज्य का ही सफाया कर दिया। इसके बाद चंगेज खान और उसकी सेना ख्वारिज्मी साम्राज्य से जाकर भिड़ गए। ख्वारिज्मी साम्राज्य उस समय एक बहुत बड़ी रियासत था, जिसकी सीमाएं उस समय भारत की सिंधु नदी से टकराते थे। बता दें, ख्वारिज्मी साम्राज्य की रियासत में आज का पूरा अफगानिस्तान था। यहाँ का बादशाह अलाउद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय था, जो तुर्की मामलुक नस्ल का मुसलमान था और वो ईरान से अपना राज चला रहा था। ये वो समय था जब तुर्की नस्ल के मुसलमान एशिया के कई बड़े देशों को गुलाम बनाकर उन पर राज कर रहे थे। ईरान तब तुर्की नस्ल के अलाउद्दीन का गुलाम था। अलाउद्दीन के ख्वारिज्मी साम्राज्य में ईरान के अलावा तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और आज के पाकिस्तान के पेशावर के आसपास के कुछ हिस्से भी शामिल थे। यानी कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन चंगेज खान ने इसको भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दोस्तों चंगेज खान की सफलता का सबसे बड़ा कारण सेनापति के रूप में उसकी अच्छी योग्यता थी। बता दें, युद्ध की किसी भी परिस्थिति के लिए वो ऐसी योजनाएं सोच लेता था कि लोग हैरान रह जाते थे कि उसके अनपढ़ दिमाग में ये योजनाएं आखिर आती कहां से हैं। दोस्तों बारूद के बारे में चीन के लोगों को पहले से जानकारी थी, लेकिन वो चंगेज खान ही था जिसने सबसे पहले ये समझा कि बारूद से दीवारों को भी तोड़ा जा सकता है। बारूद से चीन की दीवार में छेद करके उसके अंदर से अपनी सेना के लिए रास्ता बनाने का विचार चंगेज खान के दिमाग की ही उपज थे। यही नहीं, चीन में नदी तट पर बने बांधों को देखकर चंगेज खान के दिमाग में आया कि इन बांधों को तोड़कर नहरों में बाढ़ लाई जा सकती है। और शुरुआती कुछ असफलताओं के बाद आतंक फैलाने की इस नीति का उसने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। युद्ध में तकनीक का महत्व वो इतनी अच्छी तरह समझता था कि अपनी हर विजय के बाद वो विजय स्थान के शिल्पकारों को अपनी सेना में शामिल करके उनके कौशल का युद्ध में उपयोग करता था। दोस्तों चंगेज खान ने मरने से पहले उगदेई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटों और पोतों के बीच अपने साम्राज्य को बांट दिया, जिसके बाद 1227 में उसका निधन हो गया। हालांकि उसकी मौत कैसे हुई, इस पर अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग कहना है। कोई कहता है कि वो बीमार हो गया था और बीमार रहने के कारण अंत में वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगा। तभी एक दिन उसने अपने सेनापति तोलय कागान से कहा कि मेरी मृत्यु के बाद भी तुम मंगोलों की विजय जारी रखना, तुम दुनिया की हर सरहद को मंगोल साम्राज्य में मिला देना और अपने दुश्मनों को सर उठाने का मौका मत देना, और मेरी मौत के बाद मेरे दुश्मनों को कभी मत बताना कि मैं मर चुका हूँ, वरना तुम्हारी मौत आ जाएगी। इतना कहते ही चंगेज खान नीचे गिर पड़ा और कभी वापस खड़ा नहीं हुआ। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उसकी मौत घोड़े से गिरने के कारण हुए थे। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि उसे किसी सुल्तान की बेगम ने रात में हम बिस्तर होते समय धोखे से मार डाला था, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उसकी मौत चीन में लड़ाई के दौरान हुए थे। बता दें, उसकी मौत के बाद उसके मृत शरीर को खुले आसमान में छोड़ दिया गया था और पूरी दुनिया में उसकी मौत का पैगाम भेजा गया था। वैसे दोस्तों, इतना सब जानने के बाद इतिहास के सबसे खूंखार शासक चंगेज खान के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके अपनी बहुमूल्य राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।